हेलो फ्रेंड्स, सेक्टर 7 बीपीएससी के रिगार्डिंग एक अच्छी खबर है। और अच्छी खबर यह है कि 168 पद और ऐड हो गए हैं और पदों की संख्या कुल बढ़कर 723 हो गई है। एजुकेशन निकेतन की ओर से मैंने आपको बार बार कहा है कि इस बार पदों की संख्या किसी भी स्थिति में 800 से कम नहीं रहेगी, 800 के अप्रॉक्सी रहेगी। 225 से कहानी शुरू हुई थी, 225, 300, फिर 500, 540, 575 और फिर 723 तक पहुंच चुकी है। SDM, डिप्टी SP, सहायक निबंधक, इस तरीके के पद जो लेवल 9 के हैं वो भी इस बार पर्याप्त संख्या में जुड़ चुके हैं। यानी आप ये भी नहीं कह सकते कि जो वैकेंसीज है वो लेवल 9 की नहीं है, जो अनुपात होना चाहिए लेवल 9 का उतनी वैकेंसी ऐड हो चुकी है। तो अब आपको किसी भी तरीके से कोई भी कोताही नहीं करनी है। जहाँ तक बात रही जो अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी के पद जुड़े हैं 139, इनके बारे में मैंने आपको 2 दिन पहले एक वीडियो बनाकर सूचित किया था, एक ड्राफ्ट भी दिखलाया था जिसमें 139 पदों का उल्लेख किया गया था जिसकी की नियुक्ति BPSC के द्वारा की जाएगी। तो उस खबर पर भी आज मुहर लग गई है। वित्त विभाग से जो वैकेंसी मैंने आपको बताई थी वो अभी ऐड नहीं हुई है, यानी उसके ऐड होने के बाद 800 पदों की संख्या हो जाएगी, ऐसी पूरी संभावना है। अब आप किसी भी तरीके का रिस्क ना लें, अपनी तैयारी प्रीलिम्स की पूरी तरह से फोकस करें, क्योंकि आपने देखा होगा कि अच्छे अच्छे स्टूडेंट इस बार के जो टॉपर भी हैं, 65th BPSC की जो रिजल्ट जारी हुई है वो भी 63rd BPSC में प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। और भी ऐसे टॉपर्स रहे हैं जो कि प्रीलिम्स चयनित होने के बाद भी अगला बार जब देते हैं रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए तो प्रीलिम्स ही क्वालीफाई नहीं कर पाते। यानी कि प्रीलिम्स एक बड़ा हर्डल है। अगर आपने मुख्य परीक्षा अच्छे से कर रखा है और प्रीलिम्स नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में आपको काफ़ी दुख होगा। इसके लिए एजुकेशन निकेतन BPSC की प्योर तर्ज पर, ऐसा नहीं कि केवल 4 जो पुराने क्वेश्चन हैं उसमें ई ऑप्शन लगाकर, BPSC के ट्रेंड पर क्वेश्चन डिजाइन करके टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च किया है। इंग्लिश मीडियम में आपकी तरफ से लगातार डिमांड आ रही थी, इसलिए हमने इंग्लिश मीडियम के टेस्ट सीरीज भी ऐप पर लॉन्च कर दी है। आज इंग्लिश मीडियम के टेस्ट सीरीज की जो कॉस्ट है वो हिंदी मीडियम से थोड़ी अधिक है, क्योंकि उसके कंटेंट राइटर्स जो हैं वो थोड़े हाई कॉस्टली चार्ज करते हैं। तो हिंदी मीडियम की अभी भी 250 है 15 अक्टूबर तक, और इंग्लिश मीडियम की अभी जो हमने टेस्ट की चार्ज रखी है 10 टेस्ट की वो 500 है। हिंदी मीडियम की 11 टेस्ट 250, इंग्लिश मीडियम 10 टेस्ट 500। लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें तो ऐप डाउनलोड करके उसे परचेज कर सकते हैं। एक विशेषता और भी है कि आप इस टेस्ट को कोई ज़रूरी नहीं है कि मोबाइल पे ही दें, एक आपको कोड दी जाएगी जिसके द्वारा आप लैपटॉप या अपने डेस्कटॉप पे भी टेस्ट दे सकते हैं। तो ये सुविधा की बात है, क्योंकि डेस्कटॉप और लैपटॉप पे टेस्ट देना मोबाइल पे टेस्ट देने के बनिस्बत ज़्यादा सुविधाजनक होता है। तो ये रही गुड न्यूज़ 67th के रिगार्डिंग। 65th की गुड न्यूज़ तो आज सुबह ही आ चुकी है, तो वैसे अभ्यर्थी जो चयनित हुए हैं उनको फिर से एक तरफ से हमारी तरफ से बधाई, और जो 66वीं BPSC मुख्य परीक्षा के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं उनके लिए भी एक ट्रेंड एनालिसिस, यानी कि 60 से 62वीं से लेकर 65वीं तक कट ऑफ का क्या ट्रैक रहा है और उसके आधार पर 66th का क्या हो सकता है, एक वीडियो इस पर हम सुबह अपडेट करेंगे। इसकी जो डेटा एनालिसिस है वो हमने कर रखी है। धन्यवाद।